हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टू नॉलेज। आज हम करने जा रहे हैं 1 जनवरी 2020 के करंट अफेयर्स। स्टडी टू नॉलेज चैनल पे हम कवर करते हैं करंट अफेयर फॉर HPS, HPL लाइट सर्विसेज, SSG, रेलवेज, बैंक PO, क्लर्क, RBI, शीट PCS के लिए। तो जो व्यूवर अभी स्टडी टू नॉलेज चैनल पे नए आए हैं, वे स्टडी टू नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि आप लोग स्टडी टू नॉलेज चैनल की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को प्राप्त कर सकें और अपने प्रिपरेशन में लाभ उठा सकें। तो सबसे पहले, शुरू करने से पहले, मैं आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसरो के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने अनाउंस किया है अभी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अभी सेकेंड लॉन्च करने जा रहा है बोट, जो लॉन्च करेगा स्मॉल सैटेलाइट। तो ये कहाँ पर सेटअप होने जा रहा है? तो ये सेटअप होने जा रहा है तमिलनाडु के थुथुकोड़ी में होगा ये सेटअप, तमिलनाडु के थुथुकोड़ी। इसने अनाउंस किया है इसरो ने कि इसका जो पहला मैंड मिशन होगा आउटर स्पेस के लिए गगनयान, वो लॉन्च हो जाएगा 2022 तक, और जो चंद्रयान 3 मिशन है उसको भी मंजूरी मिल गई है गवर्नमेंट से, जो कंप्राइज करेगा एक लैंडर और रोवर। चेयरमैन है इसरो के KC1, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, इस्टेब्लिश हुआ था 1969 को। अभी जो विजिट नेपाल ईयर 2020 ये लॉन्च हुई है, तो ये सेरेमनी काठमांडू में हुई है। तो इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है जो नेपाल की जो प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी जी के द्वारा। नेपाल के PM हैं खड़गा प्रसाद शर्मा ओली, कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपीज़। अभी पहली कंट्री कौन बनी है जिसने बैन कर दी है सनस्क्रीन जो कि हार्मफुल है कोरल और सी लाइफ को? तो ये बना है पैसिफिक नेशन पलाव, पलाव ने बैन कर दिया है सनस्क्रीन को। ये बैन किया है क्योंकि ये जो सनस्क्रीन है ये अल्ट्रा वायलेट रेज को अब्जॉर्व करती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीबेंजोन और ऑक्सीटॉक्सिन ऑक्सीटोनोक्सेट इसमें होता है जो अब्जॉर्व करता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को। ये एक लगून है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है पलाउज रॉक आइलैंड। तो इससे यहाँ की जो मरीन लाइफ है वो इफेक्टेड हो रही थी, तो इन्होंने सनस्क्रीन को बैन कर दिया है। प्रेसिडेंट है यहाँ के पलाउ के टॉमी रेमनेज सेल साउ, और यहाँ कैपिटल है नेग्रिलो मुंड, यहाँ के कैपिटल है, करेंसी है यहाँ की US डॉलर। अभी जो गिनिया बासो हैं वहाँ के एक नए प्रेसिडेंट हुए बने हैं इलेक्टेड हुए हैं, तो वो कौन बने हैं? तो ये बने हैं, अफ्रीकन कंट्री है ये गिनिया बासो बिजाओ, तो इसके जो प्रेसिडेंट बने हैं वो बने हैं उमराव सिसोको एम्बालो। इन्होंने 53.55% वोट लिए हैं इसमें इलेक्शन में। यहाँ की कैपिटल है बिजाओ, करेंसी है ईको। अभी जो मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है मोबाइल एडिड नोट आइडेंटिफाई मनी टू विजली चैलेंज टू आइडेंटिफाई करेंसी नोट, तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसको लॉन्च किया गया है RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो ऐप है इसमें जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल हैं वो इजिली आइडेंटिफाई कर देंगे इनको अपने मोबाइल फ़ोन से, ऐप को डाउनलोड करेंगे और इसको नोट्स को स्कैन करके इनको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। इसमें जो करेंसी नोट होंगे वो हिंदी और इंग्लिश में ऑडियो आउटपुट देंगे जो, और ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद ऑफलाइन भी यूज़ किया जा सकता है। RBI के जो गवर्नर है 25th, वो है शक्तिकांत दास जी, हेडक्वार्टर है मुंबई में, फाउंडेड हुआ था 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। अपॉइंटमेंट कमेटी है जो कैबिनेट की, उसने अप्रूव कर दिया है री एम्प्लॉयमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। तो कौन बने हैं रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन दोबारा बने हैं? तो वो बने हैं वीके रेड्डी। तो ये बने हैं वीके रेड्डी बने हैं। जो अपॉइंटमेंट है ये जो ये डन हुई है फॉर 1 पीरियड के लिए। अभी जो गेम खेले जा रहे हैं जो 3rd India एडिशन ऑफ खेलो इंडिया में, तो इसमें जो गेम्स होंगी वो कौन कौन सी इंक्लूड की गई है इसमें? अब तो इसमें जो गेम्स इंक्लूड की गई है वो की गई है लॉन बॉल्स और साइकिलिंग को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। जो CEO हैं खेलो इंडिया गेम्स के वो होंगे अविनाश जोशी। खेलो इंडिया गेम्स जनवरी 2020 से असम में होने जा रहे हैं।
अभी कौन सी स्टेट है जो पहली स्टेट है जो कंट्री में जिसने पास किया है रेजोल्यूशन अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो ये बनी है स्टेट ऑफ केरला। केरला के सीएम हैं पिनाराई विजयन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। इंडियन रेलवे ने अभी रिनेम कर दिया है इसकी सिक्योरिटी फोर्स आरपीएफ को रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को, तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। इंडिया के जो रेलवे मिनिस्टर हैं वो हैं पीयूष गोयल। अभी जो ईरानी जनरल हैं उनका यूएस के ड्रोन स्ट्राइक से बगदाद में उनको मार गिराया गया है, तो ये कौन थे? तो ये थे जो इराकी जनरल थे, तो ये वहाँ की एलिट रेवोल्यूशनरी गार्ड थी जो ईरान की, उसके हेड थे ये, तो इनको जो मार गिराया है यूएस ड्रोन के द्वारा मार गिराया गया है, तो ये थे जनरल कासिम सुलेमानी थे ये। ईरान की कैपिटल है तेहरान, करेंसी है रियाल, प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। अभी जो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के लीडर थे, नागालैंड असेंबली के स्पीकर भी थे जो विको वो येसो, इनका देहावसान हो गया है। ये इलेक्टेड हुए थे स्पीकर असेंबली नागालैंड असेंबली के 2018 में, और जो सीएम हैं नागालैंड के वो है नेफ्यू रियो, गवर्नर हैं आर एन रवि। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप यू हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।